बेटा गुड लास्ट क्लास। इवनिंग हाँ गुड इवनिंग बेटा। सर। आई हैव अ क्वेश्चन इन ट्रिगोनोमेट्री सर। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है, आप शेयर कर लीजिए, अपना स्क्रीन शेयर करिएगा या आप पूछिएगा। सर एक पूछना है मुझे, समझना है एक चीज। एक सेकंड बेटा, आप पूछिए बेटा। सर बोल रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम लोग आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो हाँ उसमें तो टी रेशियोज कुछ डिफर करेंगे ना। मेरा मतलब कुछ कुछ टी रेशियो सेम होगा या टेन में तो एक ही आएगा, मतलब हाँ वैल्यू तो देखिए वन बेटा, आएगा कुछ ना हर एक केस में। फर्स्ट आप क्या करना है, डेफिनेशंस देखना है, ठीक है। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अलग अलग डेफिनेशंस है ना, उस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू है। कभी कभी दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए सेम हो सकते हैं, ठीक है सर, वो देखेंगे हम। अभी स्टार्ट किया है ना लास्ट क्लास में। ओके सर। हम लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो देखें, राइट। इफ यू टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल तो 90 डिग्रीज होगा। सो इफ वन एंगल इज कंसिडर्ड एज थीटा, 90 के ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल का ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। नाउ देर आर टू साइड्स विच आर नॉट हाइपोटेन्यूज, देर आर टू साइड्स विच मेक द राइट एंगल। सो वंस यू कंसिडर सम एंगल एज थीटा, ये दोनों साइड्स में एक थीटा का ऑपोजिट साइड होगा, एक थीटा का एडजेसेंट साइड होगा। दिस इज ए एस, दिस इज ओ एस। सो एडजेसेंट साइड को हम बी बोलते हैं, ऑपोजिट साइड को हम पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बेस। ध्यान देना है, बेस का मतलब ये नहीं कि जो हॉरिजॉन्टल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस? Whatever angle we consider, the adjacent side is called the base, the opposite side is called the perpendicular. Okay, so adjacent side को हम base बोलते हैं, opposite side को हम बोलते हैं perpendicular. For example, so if you take this as theta, if you take this as the angle under consideration, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो वंस वी अंडरस्टैंड दिस, so once we understand this, we have six trigonometric ratios: sine theta, cos theta, tan theta. These are the basic trigonometric ratios. Iska reciprocals: sine ka reciprocal cosecant theta, cos ka reciprocal secant theta, tan ka reciprocal cot theta. So sine ka definition is p by h, cos ka b by h, टैन का पी बाय बी। ओके, सो आपको लास्ट क्लास में एक वीडियो में शेयर किया था, अगर देखा तो उसमें याद करने का कुछ टेक्निक्स दिया गया है, बट पर्सनली आई डोंट डिपेंड ऑन दोस टेक्निक्स। इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको बिना कुछ टेक्निक से याद हो, मतलब सब कुछ पता हो। सो यूजली आप पीएचएस याद कर सकते हैं, पीएचडी के प्लेस में पीएचडी होते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में पीएचएस होते हैं। पीएचएस का मतलब साइन इज पी बाई एच, वो याद किया तो बाकी सब अपने से याद हो जाएगा। कोसिकेंट जो है एच बाई पी होगा, सीकेंट इज एच बाई बी, कॉट इज बी बाई पी।
क्लियर है? सो दीज आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो वंस यू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके बाद यू हैव समथिंग कॉल्ड आइडेंटिटीज. सो देर आर थ्री बेसिक आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. समझ में आ रहा है? इसका डेरिवेशन भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. डेरिवेशन इन लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हम किए हैं. इसके साथ साथ tan theta इज इक्वल टू sin theta by cos theta काम करेगा. tan theta sin theta by cos theta होगा. ठीक है, sin theta by cos theta किया तो h h कैंसिल होके p by b आ जाएगा. cot theta इज इक्वल टू cos theta by sin theta. दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज आइडेंटिटीज. ओके, तो सबसे पहला है डेफिनेशंस एंड आइडेंटिटीज. यहां तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर. नो सर. नो सर. गुड गुड. ये आइडेंटिटीज जो है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, इस आइडेंटिटीज को अलग अलग तरीके से यूज करना समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, आपको पता है. इससे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो अगर क्वेश्चन में अगर आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा है तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, रिप्लेस करना चाहिए. मतलब यू शुड नो दैट वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर. सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? वन प्लस सर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट? इसका मतलब है जहां भी आपको वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखा है, सो यू शुड नो दैट यू कैन राइट सीकेंट स्क्वायर थीटा इन दैट प्लेस. सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज व्हाट? ये मैनिपुलेशंस जो है आपको मतलब पता होना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, हाउ टू चेंज थिंग्स. सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर दिखा तो उसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको हम टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. सही है क्या? नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज टैन स्क्वायर थीटा. यस सर. कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये ग्रुपिंग जो है ये याद रखना है. इसको यूज करके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेस आप निकाल सकते हैं. इज इट ओके? यस सर. यस सर. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव, ठीक है, पहला बेसिक स्किल आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया तो you should be able to find all the remaining trigonometric ratios. यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम आगे जाएंगे. 8 बजे के बाद भेजेंगे, अभी क्लास चल रहा है. 8 बजे. अर्चना बेटा आप डिस्टर्ब नहीं करना है. चल रहा है. देखिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं आगे जाता हूँ. सर हो गया सर. नोट कर लिया? गुड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. Have a right angle triangle A B C with right angle at B.
AB is given as 3, BC is given as 4. Find sine of A, cos of A, tan of A. ये तीनों find करना है आपको. Okay? सबसे basic question है ये. एक right angle triangle का two sides are given. Using this information, can you find the sine of angle A, cos of angle A, tan of angle A? सर साइन ए होगा 4/5, कॉस ए होगा 3/5. इसमें लॉजिक ये है, साइन ए का फॉर्मूला, अगर इफ दिस इज द एंगल अंडर कंसिडरेशन, ए के हिसाब से दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर, सही है? एंड राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज होगा, खुद से निकाल सकते हैं. सो यू नो हाउ टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, राइट? सो साइन ए का फॉर्मूला पी बाय एच, दैट इज 4/5. कॉस ए का फॉर्मूला वी बाय एच, व्हिच इज 3/5. टैन ए का फॉर्मूला पी बाय बी, 4/3. इजी है? सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं. एक ट्रायंगल ए बी सी है, विच इज राइट एंगल एट ए. ए सी इज 12, बी सी इज 13. फाइंड टैन बी माइनस cot c. Find tan b minus cot c. ध्यान दे दीजिए, इसमें एक trigonometric ratio in terms of b है, दूसरा trigonometric ratio in terms of c. Okay. सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप में टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर गिवन, सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी निकालेंगे. सो ए बी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होगा, राइट? सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, व्हिच इज इक्वल टू 25. सो ए बी इज इक्वल टू सर 8/5 होगा आंसर. 5 हो जाएगा. हाँ, क्या है आंसर? कितना है? 8/5. नहीं बेटा, ध्यान से करना है, आराम से. हाँ सर, हाँ सर, हाँ, गलती हो सर. 119/60. नहीं बेटा, वह देखिए, ये 5 आ गया, पहला स्टेप क्लियर है. सेकंड स्टेप, tan b, b का tan पूछ रहे हैं, ध्यान दे दीजिए. 24/5. नहीं बेटा, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए. तो tan सर 0. हां, 0 सही है. एक बार ध्यान से देखिए सब लोग, tan b विद रेस्पेक्ट टू b, b के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा ना. तो विद रेस्पेक्ट टू b, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. एंड टैन का फॉर्मूला क्या है? पी बाई बी है. तो ये 12/5 हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं? यस सर. एंड नेक्स्ट कॉट सी. अब सी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहे हैं. अब दिस इज द एंगल अंडर कंसिडरेशन, इसके हिसाब से ये बी होगा, ये पी होता है ना. विद रिस्पेक्ट टू सी, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर. एंड कॉट का फॉर्मूला क्या है? बी बाय पी है. यस सर, 5/12. सो बी इज 12 नाउ, पी इज 5. सो टैन बी माइनस कॉट सी कितना है? सर 12/5 माइनस 12/5, 0 होगा. सो 12/5 माइनस 12/5, व्हिच इज इक्वल टू 0. समझ आ रहे? 0 क्यों है?
इजी सर, इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट द फ्रैक्शनल फॉर्म इनटू डेसिमल? नहीं, जरूरत नहीं है. ओके सर. और सर मान लीजिए सर डिनोमिनेटर मतलब लाइक फ्रैक्शन में नहीं आया तो एलसीएम लेके करना है? अगर अलग अलग वैल्यूज आए तो एलसीएम लेना तो आता है ना आपको. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस को आप कर सकते हैं ना सर. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना होता है ना. ठीक है, वैसा कुछ जरूरत नहीं है बेटा. आप जहां तक छोड़ना है वहां तक करके छोड़ सकते हैं. ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफिक आपका स्कूल में कुछ बोलता है यहाँ तक करने के लिए वहां तक कर लीजिए. यहाँ क्या है आप कॉन्सेप्ट समझिए. ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन जो है स्कूल के हिसाब से करना है आप. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड cos a and tan a. If sin a is equal to 3/4, find cos a and tan a. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज द बेसिक स्किल दैट यू नीड टू हैव फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज. क्या है? देखिए, कोई भी एक एंगल ए का साइन दिया गया है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपसे पूछ रहे हैं. क्लियर है नहीं? सो फर्स्ट देयर आर टू मेथड्स टू डू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज अ ट्रायंगल मेथड. सर आंसर कॉस ए होगा 3/2 और टेन ए 1/2. नहीं है बेटा, बहुत जल्दबाजी में है, गलत हो रहे हैं. पहले सुनिए. ठीक है, फर्स्ट इज ट्रायंगल मेथड, सेकंड इज आइडेंटिटी मेथड. आइडेंटिटीज मेथड. ओके, सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया तो उसको यूज करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालने के लिए दो मेथड्स है. वन इज ट्रायंगल मेथड, द सेकंड इज आइडेंटिटी मेथड. सर कॉस ए रूट 7/4. मैं पूछता हूँ बेटा आंसर. yes, जब मैं पूछता हूँ तब बोलिए. ठीक है, ऐसा बीच में बोला तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना. क्लियर है? ये देखिए, फर्स्ट इज ट्रायंगल मेथड. ट्रायंगल मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए साइन ए इज गिवन एज 3/4, सो विल टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ ए एज ए एंगल. मान लीजिए ए एक राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल. So with respect to A, this is P, this is B, this is H, right? And given that sine A is equal to 3/4, but sine A ka definition is P by H, sahi ki nahi? Yes sir, theek hai. So P by H is 3/4, this implies P is to H is equal to 3:4. Ye to ratios कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो P को आप 3x, H को आप 4x मान सकते हैं. P is sir, to H is, x क्या है सर? X is something, कुछ नंबर. P is to H is 3/4 and P and H का रेशियो जो है वो 3:4 है. इसका मतलब P 3x जैसा होना चाहिए, H 4x जैसा होना चाहिए. जब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा वो एक्स एक्स कैंसिल होके 3/4 आ जाएगा. सही है क्या? नहीं? यस सर. एक्स इज सम नंबर. यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि P by H 3/4 है तो P 3 H 4 होने का जरूरत नहीं है. सही है क्या? नहीं? It is not necessary that P should be 3 and H is equal to 4. P जो है 3 into any number हो सकते हैं, H 4 into same number होना चाहिए, तब ये दोनों cancel होके 3:4 ratio maintain होगा. Clear है नहीं?
हाँ सर यस सर ये रेशियोस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है इज अ कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर ऑफ रेशियोस आपको लोअर क्लास में 8th क्लास में रेशियो चैप्टर तो है ये यहां तक क्लियर है सो p को मैं 3x मान रहा हूं h को मैं 4x मान रहा हूं क्लियर है यस सो बाय पाइथागोरस थ्योरम सो बाय पाइथागोरस थ्योरम 3x का होल स्क्वायर प्लस ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर होना चाहिए क्या नहीं यस सर सो ab स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर होना चाहिए ये उस तरफ गया तो यस इज इक्वल टू 7x स्क्वायर So this implies AB is equal to root 7 times X. Clear again? Yes, sir. Yes. So AB ka value kitna hai? Root 7 times X. Is it clear? Haan, sir. Clear. So now, aapka basic working ho gaya. So now, this implies cos A is equal to. Cos A ka formula kya hai? Adjacent side. B by H. So B कितना है? Root 7 into X divided by H कितना है? 4X. XX cancel हो गया. So you get root 7 by 4 as the answer. And tan A का formula क्या है? P by B. B. So P is 3X. B is root 7 into X. XX cancel हो गया. So you get 3 by root 7. Clear again. Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. हाँ ये क्या है बेटा ये first method है इस method को हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल मेथड क्यों बोलते हैं क्योंकि एक ट्रायंगल ड्रॉ करके उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइड्स निकाले हैं क्लियर है यस सर नोट किया हाँ सर यस सर नेक्स्ट मेथड क्या है आइडेंटिटीज मेथड ऐसा कोई है बेटा जो नोट नहीं किया Okay, तो सब लोग नोट कर लिया सर स्कूल एग्जाम में कौन सा मेथड करेंगे क्या है बेटा सर स्कूल एग्जाम में कौन सा मेथड करेंगे सर ट्रायंगल या आइडेंट देखिए बेटा वही बोल रहा हूँ देखिए बेटा कॉन्सेप्ट सारा सीखिए जो स्कूल में जो करना है वो टीचर से पूछिए टीचर भी बोलेगा ना ये कौन सा मेथड से करना है दोनों मेथड सही है क्वेश्चन नहीं हुआ अभी जो दोनों मेथड्स जो बोलने वाला हूँ दोनों सही है ठीक है दोनों को मार्क्स मिल जाएगा बट अगर आपका टीचर कुछ मेथड प्रेफर करता है तो उससे कर लीजिए कुछ नहीं बोलता है तो किसी से भी कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट मेथड इज आइडेंटिटीज मेथड क्वेश्चन में क्या दिया साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया यू हैव टू फाइंड कॉस ए एंड टैन ए राइट सो इसमें हम क्या यूज करते हैं एज द नेम सजेस्ट वी आर गोइंग टू यूज आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज का मतलब देखिए साइन ए है अब कॉस ए चाहिए व्हाट इज द आइडेंटिटी कनेक्टिंग साइन ए एंड कॉस ए We know that sin square a plus cos square a कितना होना चाहिए? One. होना चाहिए. This implies sin a 3/4. So sin square is 9/16 plus cos square a is equal to 1. So cos square a is equal to 1 minus 9/16. 16 minus 9, 7/16.
So this implies cos A is equal to square root of 7 by 4. Clear? So this method is more better than that one. हाँ, तो आपका choice है अभी. दोनों सीखिए, जो आपको choice है वो कर लीजिए. Second, tan A, is there any identity? देखिए अभी आपको sin भी है, cos भी है आपके पास. So sin by cos. तो divide कर देंगे. So tan A is sin A by cos A, 3 by 4 by root 7 by 4, 4 4 cancel हो गया, 3 by root 7 हो गया. अब आपका चॉइस है बेटा, कौन सा करना है. दोनों को मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम. सर आप कमेंट कहते हैं कौन सा प्रोसेस ज्यादा अच्छा है. ये इतना इजी है, फर्क नहीं पड़ता है बेटा मुझे. ठीक है, मैं तो देख के बोल देता हूँ आंसर. तो आपको भी इतना अच्छा आता है तो और बेटर है. क्लियर है? यस सर. ठीक, इतना प्रैक्टिस करना है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देख के हो जाए. Clear? Next question, similar question दे रहा हूँ बेटा. इस बार आपका काम है. So given that 15 cot A is equal to 8, find sin A and cos A. ये क्वेश्चन कौन सा मेथड से करिएगा, आपका चॉइस है बेटा. सो हु इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट आंसर. सर साइन ए के बाद क्या लिखा है? क्या है बेटा? सर साइन ए के बाद क्या लिखा है? साइन ए एंड कॉस एंड. आप लोग एंड कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखता है क्या? नो सर, वो एक्चुअली वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था. कॉस ए लिखा या कॉट ए? वो कॉस कॉस ए. हां सर, साइन ए होगा 15 बाय 17 और टेन कॉस ए होगा 8 बाय 17. सही है बट. यस सर, मेरा भी वही आंसर है. सही है, गुड. तो मेरा भी यही है सर, 15 बाय 17. गुड. सो यहां से कॉट ए इज इक्वल टू 8 बाय 15 हो गया. हमको साइन चाहिए, बट व्हाट इज द आइडेंटिटी रिलेटिंग कॉट ए एंड साइन ए? आपके पास एक आइडेंटिटी है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. सही कि नहीं? अगर कोसेकेंट स्क्वायर मिल गया तो वहां से साइन निकाल सकते हैं ना, उसको उल्टा करके. सो कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 64 बाय 225. That is equal to 289 by 225. So cosecant A is equal to 289 का square root कितना है? 17 by 17. 15. So sin A is equal to how much? The reciprocal of this, 1 by cosecant A, which is 15 by 17. Clear है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ये दोनों को यूज करके कॉस निकाल सकते हैं. हाँ सर. सर कॉट में पुट कर देंगे साइन को. सर साइन को कॉट में पुट कर देंगे. सर यहाँ पे ट्रायंगल का आइडेंटिटी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या है बेटा? सर ट्रायंगल वाला सीखिए. कर सकते हैं बेटा, वही बोल रहा था ना, कोई भी मेथड कर सकते हैं. ये क्लियर है? यस सर. सो आपको पता है कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए होता है ना. दिस इंप्लाइज कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए इनटू साइन ए होता है. यस सर. So cot is 8 by 15, sin is 15 by 17. 15, 15 cancel ho gaya, 8 by 17 is the answer.
इजी यस सर आगे जा रहा हूँ यस सर निकाल रहा हूँ बेटा ये किसी को नोट नहीं हुआ नोट हो गया होगा नेक्स्ट तो ये एक्सेस पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन में वर्डिंग चेंज हो सकते हैं इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 5/4 वेरीफाई वेदर टैन थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय सीकेंट थीटा सेकेंड 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं वेरिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा LHS भी वैल्यू फाइंड करना है RHS का वैल्यू फाइंड करना है दोनों सेम आ रहे क्या नहीं चेक करना है ये देखिए फर्स्ट सीकेंट थीटा इज 5/4 इज गिवन हमको इस क्वेश्चन में फर्स्ट में टैन साइन एंड सीकेंट तीनों का वैल्यूज चाहिए सो टैन का वैल्यू कैसे निकालेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1 LCM लिया तो 9/16 सो tan theta इज इक्वल टू कितना है 3/4 वर्किंग ओके है यहां तक क्लियर है यस सर अब साइन भी चाहिए So, tan theta is equal to sin theta by cos theta. देखिए, this implies tan theta is equal to sin theta 1 by cos theta को मैं secant theta लिख सकता हूँ. 1 by cos theta is secant theta. So, tan theta का value 3/4 is equal to sin theta into secant theta कितना आया? 5/4 कैंसिल हो गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया 3/5 क्लियर है क्या नहीं यस सर सो अब LHS टैन थीटा 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते सर नहीं वेरीफाई करने के लिए बोला था ना वेरिफिकेशन का मतलब नंबर्स फाइंड करके वेरीफाई करना है अगर डिराइव करने के लिए बोला तो डिराइव करना है वेरीफाई करने का मतलब है आप नंबर्स वेरीफाई करना है क्लियर है 3/4 बाय आप एलसीएम लिया तो 25/16 सो 3/4 इंटू 16/25 सो 12/25 क्लियर है RHS साइन थीटा बाय सीकेंट थीटा साइन थीटा इज हाउ मच 3/5 बाय सीकेंट थीटा इज सीकेंट कहा दिया 5/4 दैट इज इक्वल टू 3/5 इनटू 4/5 सो 12/25 सो LHS इज इक्वल टू RHS So LHS is equal to RHS, hence verified. Verification का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. When you're asked to verify numbers, दोनों तरफ numbers find करके check करना है. Clear? So ये भी check कर लीजिए.
ये भी चेक कर लीजिए, सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड फॉर्मूला, नंबर सेम आ रहे दोनों तरफ। सर आ रहा है। आ गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। नोट किया बेटा सब लोग? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन tan theta is equal to 4 by 3, find 3 sin theta plus 2 cos theta divided by 3 sin theta minus 2 cos theta. ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको एक लंबा मेथड है करने का, एक छोटा मेथड भी है। पहला कौन सा बोलो सर? लॉन्ग प्रोसेस। ओके, लॉन्ग मेथड चाहिए। सो लॉन्ग मेथड में आप क्या करना है, टैन थीटा को यूज करके साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। ओके, ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हैं, आपका चॉइस है कौन सा यूज करिएगा। इसको थीटा, so tan is 4 by 3, इसका मतलब ऑपोजिट साइड इज 4x, एडजेसेंट साइड इज 3x, सही कि नहीं? तो ये दोनों का यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल दिया तो 5x हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है बेटा सर? आंसर 3। आंसर 3 आया था क्या? आंसर सही है बेटा, हां सर 5x है। तो साइन थीटा कितना है? 4x by 5x, 4 by 5, cos theta is adjacent side by hypotenuse, 3x by 5x is 3 by 5. दोनों को यहां पुट कर लीजिए, 3 into 4 by 5 plus 2 into 3 by 5 divided by 3 into 4 by 5 minus 2 into, so answer 3 है। सही है। 12 plus 6, 18 divided by 12 minus 6 is 6, 3 is the answer. ये भी बहुत लॉन्ग नहीं है बेटा, लॉन्ग का मतलब है ऐसा मत सोचे कि बहुत लंबा है, ये भी इजी है। बट अगर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेथड कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है आप एग्जाम में बहुत एलाबरेट करना पड़ेगा। लेट दिस बी थीटा, P by B is equal to 4 by 3, so let P is equal to 4x, B is equal to 3x. इसके बाद using Pythagoras theorem, this will become as 5x. ये सारा लिखना पड़ेगा आपको। सर कम मार्क्स आवा तब तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सारा आपका चॉइस है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, you are the best judge for that. So ये एक method है। दूसरा है आप क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दे दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस थीटा। अगर मैं ये वाला स्टेप करता हूं, आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस थीटा, सो क्या होगा, 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, राइट? प्लस 2 टाइम्स cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 tan थीटा माइनस 2 हो जाएगा। अब आप tan थीटा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप यहां से 3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 4 है ना, डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं ना, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, सो दिस इज 4 प्लस 2 बाय
4 minus 2, 6 by 2, which is equal to 3. इस मेथड अगर फॉलो किया तो आपको एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल कंसीडर करना वो सारा है ही नहीं इस मेथड में, जस्ट इट्स ए न्यूमेरिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड। क्लियर है कि नहीं? ये सर हम लोग सर कॉस थीटा से ही सर क्यों डिवाइड किए? क्योंकि टैन थीटा दिया था ना क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कॉट थीटा दिया तो मैं साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ। मैं इसलिए डिवाइड किया कि बाद में मुझे tan थीटा का वैल्यू यूज हो जाए। क्लियर है? ओके सर, आगे जाएं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ is equal to 5, find sin P and cos P. ये information है। एक triangle PQR में Q is 90 degrees, PQ is 5, ये 5 दिया है, but ये दोनों साइड्स इंडिविजुअली दिया नहीं है, द सम ऑफ दीज टू इज 25। सो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, अगर इसको x मान लिया तो ये क्या होगा? 25 माइनस x। ये क्लियर है? आपको साइन p एंड cos p चाहिए, इसका मतलब एफेक्टली x फाइंड किया तो हो जाएगा ना आपका काम। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x, योर वर्क इज डन। So, x कैसे फाइंड करेंगे? एनीबॉडी? पाइथागोरस। सो फाइंड x यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकता हूं। कैसे? x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर, कर सकता हूं क्या? नहीं। So x square plus 25 is equal to 625 plus x square minus 2ab जो है वो 50x हो जाएगा। x square cancel हो गया। So 50x is equal to 625 minus 25 is 600. Sir, x is equal to 12 हो जाएगा। Okay? So this is equal to sin p answer 12. Is 12 by 13 or cos p is 5 by 13. Sahi hai. So sin p is opposite side by hypotenuse. So 12 by 13 ho jayega. Cos p is 5 by 13. Easy hai? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको शायद तीन पार्ट्स हैं, तीन नहीं चार पार्ट्स है शायद, थ्री पार्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या क्या सीखे हम? इफेक्टली दो चीज सीखे, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन हाउ टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट सेक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट यू नो व्हाट दिस आइडेंटिटीज आर। ये आइडेंटिटीज ऑलरेडी कवर हो चुका है,
कितना आइडेंटिटीज होते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सेकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये क्लियर है, यू हैव थ्री आइडेंटिटीज। इसके बाद टैन थीटा इज साइन बाय कॉस, कॉट थीटा इज कॉस बाय साइन, तो ये सारा आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए इस मेथड के लिए, इस चैप्टर के लिए। एंड दिस चैप्टर इज मोर मोस्टली अबाउट प्रूफ्स एंड मैनिपुलेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं है, वो सारा आइडेंटिटीज को यूज करके एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके आज के लिए छोड़ देंगे, तो सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बीइंग आस्क्ड टू सिंप्लीफाई दिस, ओके। क्लियर है? सो सिंपली देखिए क्या करना है, जस्ट यू यूज द फॉर्मूलास, कॉस थीटा इनटू सीकेंट थीटा इज वन बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इनटू वन माइनस एलसीएम लिया तो कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, हो गया सिंप्लीफिकेशन, क्लियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। वैसा ही आप वन माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, वन माइनस साइन थीटा को ऐसे छोड़ दीजिए, सीकेंट थीटा इज वन बाय कॉस थीटा, टैन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सही क्या नहीं? यस सर। दैट इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा इनटू, यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर है सो वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा क्या होगा, 1 minus sin square theta by cos theta, right? Yes, sir. So 1 minus sin square theta kya hoga? Cos square theta by cos theta. Ek cos cancel ho gaya. Bacha hai cos theta. So 1 minus sin theta into secant theta plus tan theta is equal to what? Cos theta. Samajh mein aa raha hai ki nahi? Yes, sir. So, इसके ऊपर और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि थ्योरी तो इतना ही है, थ्योरी तो कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का भी, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्लास में और हम और भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में, क्लियर है? ओके सर। सो आज के लिए ओके सर, हां गुड नाइट बेटा सबको, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बेटा, सर थैंक यू सर, हां थैंक यू सर।